students, myself Bobby Patel from Ganga Gurukul Jai Swaminarayan. Today we will continue chapter 3 of class 8 science, synthetic fibers and plastics. In previous video we have learned plastics as a materials of choice. Plastic ko hum kyun istemal karte hain? Durable hai, lightweight hai, strong hai, theek hai, non-reactive hai, poor conductor of heat and electricity hai. तो हमने उसके सम ऑफ यूजेस देखे थे, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि अगर प्लास्टिक्स एनवायरनमेंट, ठीक है, प्लास्टिक का सही तरीके से, ठीक है, यूज नहीं किया तो क्या होगा। प्लास्टिक्स हार्मफुल भी है, ठीक है, ऐसे उसका यूज बहुत सारे अच्छे हैं, बट उसको मिसयूज किया है तो उसके बहुत सारे गलत, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स भी है। व्हेन वी गो टू द मार्केट we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. हम बहुत बार देखते हैं मार्केट से जो भी चीजें खाना लाते हैं, जो भी चीजें लाते हैं वो प्लास्टिक के बैग में हमें दिया जाता है, ठीक है, प्लास्टिक में या पॉलीथीन बैग में। जैसे कि हम सब्जी रोटी लाते हैं रोटी पे पॉलीथीन बैग लपेट के देते हैं, या सब्जी आती है वो, मतलब खाना हमारा जो होता है वो प्लास्टिक बैग या तो फिर प्लास्टिक के कंटेनर में आता है, ठीक है। That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. यही एक वजह है जिससे प्लास्टिक का वेस्ट हमारे घर में बहुत एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि हम बाहर से जो भी चीजें लाते हैं वो सब में प्लास्टिक आता है, वो सब कहाँ फेंकने वाले हैं, कचरे के डब्बे में। उससे क्या होगा, हमारे घर में प्लास्टिक बढ़ता जाता है। Ultimately, plastic finds its way to the garbage. बाद में हम उसको वो खाना खाने के बाद, खाना यूज करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद वो प्लास्टिक को कचरे में फेंक देते, गार्बेज में। डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो फिर बाद में प्लास्टिक का जो डिस्पोज है, डिस्पोजेबल मतलब डिस्पोज करना है, मतलब उसको हमें है ना डिस्पोज डिकम्पोज कर, क्या बोलते हैं उसको, फेंकना है, मतलब उसका निकाल करना है, तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि प्लास्टिक है वो कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये क्या होता है, मतलब डिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। पेपर
10 टू 30 डे में तो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। क्लोथ, कॉटन क्लोथ 2 to 5 months तो वो बायोडिग्रेडेबल है। वुड 10 to 15 years, वुड टेक्स 10 to 15 years ऑफ डिकम्पोजिशन, हेंस इट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। वुलन क्लोथ्स अबाउट अ ईयर, जैसे वुलन क्लोथ्स है अपने शॉल बनता है उसका, स्वेटर बनता है, ठीक है, वो सब बायोडिग्रेडेबल है, बट 10 to 15 years ऑफ स्पैन दे गेट्स डिकम्पोज। ओके, टीन है, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, जो मेटल है वो डिकम्पोज नहीं होते, अगर वो होते तो वो जमीन में से हम उसको निकालते, उसका ओर होता है, उसके हम अलग अलग आर्टिकल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास मेटल का क्या है, मेटल की की है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेटल की की है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, आयरन निकल एंड क्रोमियम मेटल से बना है। अगर ये चाबी को मैंने जमीन में डाल दिया है तो वो बहुत सारे ईयर, जैसे कि 100 to 500 years ऑफ टाइम इतना लेगा वो डिकम्पोज होने के लिए, ठीक है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स, बहुत सारे साल लगते हैं प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक कंटेनर को डिकम्पोज होने के लिए। दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज बैंड प्लास्टिक बैग्स ऑफ यूज, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है, जो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है, जब था पहले पाउच, पानी के पाउच 1 या 2 रुपए के आते थे, वो भी हम सब लोग पानी पीने के बाद यहाँ वहाँ उसको फेंक देते थे, उसका क्या होता था, कुछ नहीं, वो जमीन में मिल जाता था, बैक्टीरिया वो सबको नुकसान पहुंचाता था, सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रहा था, ठीक है, तो एक मेजर प्रॉब्लम था, ठीक है। बट गवर्नमेंट हैज टेकन एक्शन अगेंस्ट पॉलिथिन बैग्स एंड उन्होंने पॉलिथिन बैग्स का यूज है वो स्टॉप कर दिया है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो प्लास्टिक है वो बहुत सारे साल लगाता है डिकम्पोज होने के लिए, तो एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं, एनवायरमेंट को क्या करता है वो नुकसान पहुंचाता है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटीरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न्ड इजीली, तो जो प्लास्टिक है भाई वो बहुत टाइम भी लगाता है, स्लो प्रोसेस है एंड बहुत सारा धुआं पॉल्यूशन भी करता है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, हमने देखा है अगर इनकम्प्लीट कंपोजिशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का या दूसरे जो पॉइजनस गैसेस है उसका बहुत सारा जो है इवोल्यूशन होने वाला है। पॉइजनस गैस से हमें लंग्स में प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी बीमारियां जिससे होती है लंग्स के रिलेटेड होती है, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर में जाके एयर पोल्यूशन भी करता है। मैंने जैसे बताया अगर आप प्लास्टिक लेंगे, प्लास्टिक को अगर आपने सॉइल में डाल दिया तो वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करेगा, तो सॉइल पोल्यूशन है, ठीक है। अगर हमने उसको जलाया है तो पॉइजनस गैसेस निकलेंगे तो वो एयर पोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लास्टिक हमें किस किस तरीके से नुकसान करता है, वो एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, एंड थर्ड वन इज वाटर पोल्यूशन। अगर हमने उसको पानी में ऐसे प्लास्टिक फेंक दिया है तो भाई ऑयल या प्लास्टिक के मटीरियल या आर्टिकल्स है वो एनिमल्स या जो फिशिज में वो सब है, जो एक्वाटिक एनिमल है उनके मुंह में जाएंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, तो एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, प्लास्टिक का जितना कम यूज हो सके इतना करें। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, अभी तो शॉपिंग में जाते तो अपना बैग लेके जाओ, ठीक है, कॉटन बैग लेके जाओ या जूट बैग्स, ठीक है, वो लेके जाओ, दैट इज कपड़े का बैग लेके जाओगे तो दैट्स गुड। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, हमारे वहाँ 2 कंटेनर आते हैं, ठीक है, डिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो भी हमारे घर में जो भी प्लास्टिक का वो सब चीजें होती है हम क्या करते हैं उसको हम है ना बंगाल में दे देते हैं, जिससे वो क्या हो जाएगा रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमें सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस दिस इन योर होम, तुम्हारे घर में चीज करें, तुम्हारे में जो बायोडिग्रेडेबल है वही कचरे में डाल, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको कचरे को अलग तरीके से रखें,
दोनों का डिकम्पोजिशन का मेथड अलग है, ठीक है। और जितना हो सके तो मैं बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना प्लास्टिक का यूज कम करें, ठीक है। इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, इसलिए फिर बाद में ये जरूरी चीज है कि अगर प्लास्टिक के आर्टिकल्स है जो बायोडिग्रेडेबल है तो वो तो बायोडिग्रेड हो जाएंगे, कचरा है वो 10 to 15 या कुछ वीक्स में हो जाएगा, ठीक है। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक है, वो सब है, उसको आप यहाँ वहाँ मत फेंके, वो कचरे को अलग जमा करें, और भंगार वाला अगर भंगार वाले को दे वो फैक्ट्री में जाएगा, रिसाइकल होगा, ठीक है। तो प्लास्टिक का यूज जितना हो सके उतना कम करें, अगर हो सके तो उसको रिसाइकल करने का पूरे पूरा ट्राई कीजिए। या जो प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उसके रियूज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल है, जो सोडा बॉटल है या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है उसमें ग्रेन्स भर सकते हैं, ठीक है। वो सब हम हमारे घर के अंदर जो दूसरे जो होते हैं मसाले, वो सब हम प्लास्टिक के अंदर भर सकते हैं, ठीक है। तो उसका बहुत सारा यूज है, कंटेनर इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, बहुत सारा थर्मोप्लास्टिक्स है जो इजीली मोल्डेबल है, वापिस से उसको पिघला के नया प्लास्टिक हम बना सकते हैं, है उसको आप है ना रिसाइकल करने बेच सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो भी आपको रिसाइकल किया हुआ वापिस से प्लास्टिक फूड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं क्योंकि उसमें दूसरे कलर मतलब ऐड कर किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, इसलिए आपको प्लास्टिक का बने तब तक फूड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे दूसरे केमिकल भी डाले जाते हैं जिससे उसका यूज लिमिट हो जाता है और वो हमें हार्मफुल है अगर हमने खाना स्टोर किया है, सो आप खाना उसमें स्टोर मत कीजिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, तो भाई 4R प्रिंसिपल क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में यह प्लास्टिक का यूज भी दिया है और उसको मिस यूज करके दिया हुआ, ऐसा क्यों दिया है कि हम हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें प्लास्टिक का यूज ऐसे करें तो हमारे काम में भी आएगा और उसका मिस यूज मतलब उसका गलत इस्तेमाल भी ना हो और हमारे एनवायरमेंट को असर ना हो, ठीक है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हमारी दुनिया हमें ही स्वच्छ रखनी है, साफ रखनी है, हमारा देश, हमारा गांव हो, हमारा सिटी हो, हमारा स्टेट हो, वो सब हम ही साफ सुथरा रख सकते हैं। कोई क्या कर रहा है उससे बेटर हम क्या करें वो देखें, हमारा जो गार्बेज है ठीक है वो डस्टबिन में डालें तो हमें देख के दूसरा भी इंसान सीखेगा कि यस ठीक है, तो कचरा हमें नहीं करना है। नॉर्मली हमारे घर में होते तो कचरा नहीं डालते क्योंकि मम्मी डांटती है, बट बाहर जाके हम ये चीज़ भूल जाते हैं, तो बाहर जाके ये चीज़ खास देखिए, ठीक है, कि आपको फूड है जो भी है आप खाना खाते हैं वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते तो डस्टबिन में आप डालें कचरा, यहाँ वहाँ मत फेंके, ठीक है। और अपने जो छोटे बच्चे हैं उनसे उनको भी ऐसा चीज़ सिखाइए जो कल की जनरेशन आएगी वो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए हमें ही उनको ट्रेन करना चाहिए। तो ये सब हम पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे एनवायरमेंट हमें बहुत कुछ देता है, साथ में उनको साफ सुथरा रखना भी हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये जो 4R प्रिंसिपल है वो क्या है, तो 4R में क्या आता है, इसको आता है रिड्यूस, दूसरा आता है वही रिड्यूस, तीसरा आता है रिसाइकल एंड चौथा आता है रिकवर। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये जो चार हैबिट अगर आपके पास होगी तो आप एनवायरमेंट का बहुत सारा मतलब फायदा करा रहे हो, मतलब एनवायरमेंट इससे बहुत सारा बच सकता है। तो हर एक इंसान ये चार चीज को दिमाग में रखे, ध्यान में रखे तो हम बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं। जैसे कि चलो पहली बात करें रिड्यूस की, तो भी आपको क्या करना है, प्लास्टिक का यूज है वो क्या करना है, रिड्यूस करना है प्लास्टिक यूज ऑफ प्लास्टिक, क्या करें आप रिड्यूस करें, पॉलीथीन का रिड्यूस करें, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे रिड्यूस का मतलब है आपको प्लास्टिक या
पॉलीथीन या ऐसी जो भी चीजें हैं जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है उसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो उसकी असर को है ना हम कम कर सकते हैं उसको, मतलब उसको जो एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंच रहा है प्लास्टिक और पॉलीथीन से उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक इंसान को ये रिड्यूस का फॉर्मूला अगर अपनाएगा ठीक है एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा। ठीक है, तो रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक पॉलीथीन को रिड्यूस करें, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर है ठीक है पॉलीथीन बैग्स है, अब जितना हो सके उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि कपड़ा है, जैसे कि हमारे घर में क्या, जैसे कि मैंने टी शर्ट पहना है, अगर टी शर्ट पुराना होगा तो मैं उसको घर में पहनना शुरू करूंगा, अगर और पुराना होगा तो ऐसा मैं नाइट ड्रेस में पहनूंगा, अगर और पुराना होगा तो उसका पोछा भी बन सकता है। तो मैंने ये क्या किया, बने तब तक उसका रीयूज किया। जैसे कि प्लास्टिक के कंटेनर है, प्लास्टिक की बॉटल्स है ठीक है, पेप्सी थम्स अप कोका कोला की बॉटल आती है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकल, तो आप प्लास्टिक की जो चीजें है प्लास्टिक आर्टिकल्स इसको आप है ना रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब आप नहीं करेंगे, आपको बंगला इकट्ठा करना है, बंगला वाला देना है, वो कंपनी में पहुंचाएगा, फैक्ट्री में पहुंचाएगा और वो चीज वो रिसाइकल कर देंगे। ठीक है, तो हमें इतना ही करना है, उसको अलग रखना है, उसको जहां उसकी सही जगह है रिसाइकलिंग की वहां पहुंचाना है। आगे रिकवर, हमारे घर में जो भी चीजें हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हम उसका वापिस से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिकवर। जैसे हम देखते हैं कचरे के डगले में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मेटल्स वो सबकी होती है, वो सबको निकाल लिया जाता है, हम जो भी कचरा वहां पहुंचाते हैं वहां गार्बेज का जो डंप यार्ड होता है ठीक है वहां से ये रिकवर सब कुछ चीजें कही जाती है। तो जो जरूरी चीजें है ठीक है वो चीजों को मेटल्स है मेटल पार्ट्स है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो काम में आ सकती है तो उसको रिकवर हम कर सकते। हमारे घर में भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम वापिस से रिकवर करके उसका रीयूज कर सकते हैं, उसको दूसरे आर्टिकल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें तो बॉटल्स को हम काट के उसमें बहुत सारा डेकोरेशन भी कर सकते हैं, उसमें है ना लाइटिंग और सब अलग डेकोरेशन का सामान भी बना सकते हैं, तो हम बहुत सारी चीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाहर जाने के बाद प्लास्टिक एनवायरमेंट प्लास्टिक जितना हमारे लिए यूजफुल है इतना एनवायरमेंट के लिए यूजफुल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो उसका यूज हमें संभल के करना होगा। उसके बाद आने देगा बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, एयर पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन फैलाता है ठीक है अगर सही तरीके इस्तेमाल नहीं किया तो। फोर आर प्रिंसिपल आपको याद रखना है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल एंड रिकवर, ये चार चीजें जो एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते हमें याद रखनी चाहिए जिससे हमारा एनवायरमेंट बच सकता है ठीक है और फ्यूचर जनरेशन को बेटर वर्ल्ड उनको मिल सकता है। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक इतना लर्न कीजिए पढ़िए एंड ये सब नोटबुक में नोट कीजिए। बाय, जय सोमनाथ।